केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा, डीए में हुई 5% वृद्धि, डीए 12% से बढ़कर हुआ 17%, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए है वो 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है, यानी 5% बढ़ोतरी की गई है डीए में। इसके लिए प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर भी नोटिफिकेशन जारी किया है, साथ ही दिखाएंगे आपको प्रकाश जावड़ेकर का वो ट्विटर अकाउंट, पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको डीए के बारे में पूरी खबर। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को दबाना न भूलें। इससे मोस्टली बेनिफिट आपको यह रहेगा कि आगे आने वाली हर एजुकेशन संबंधी न्यूज़ आप तक सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं डीए वृद्धि की। इस बार जो डीए वृद्धि की जो घोषणा हुई है वो एक तरह से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दीपावली के तोहफे के बराबर है, यानी दीपावली नजदीक है उसी के ऊपर घोषणा की गई है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा कि डीए में 5% वृद्धि की जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ दीपावली का तोहफा ही माना जा सकता है। तो बता दें कि वो 12% पहले डीए था वो 5% बढ़कर अब हो गया है 17%, यानी 17% हो गया, 5% बढ़ोतरी की गई है। इसे न केवल सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, इसके साथ साथ पेंशनधारी कर्मचारी है उनको भी फायदा होने जा रहा है। और दोस्तों इसे न सिर्फ सरकारी कर्मचारी की संख्या अगर बता दी जाए तो 50 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और करीब 62 लाख पेंशनधारी भी इससे लाभान्वित होंगे, उन्हें भी ये डीए 5% बढ़ोतरी के हिसाब से मिलेगा। दिखाते हैं आपको प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उनका एक ट्विटर अकाउंट जहाँ उन्होंने ट्वीट भी किया है, बाद में दिखाएंगे उनका एक उद्बोधन जिसके जरिए उन्होंने बताया भी है कि डीए में 5% बढ़ोतरी की गई है। ये देखिए दोस्तों, ये है प्रकाश जावड़ेकर जी का एक ट्विटर अकाउंट जहां उन्होंने लिखा है कि कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को 5% बढ़ाने का निर्णय। इस फैसले से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 62 लाख पेंशनधारी होंगे लाभान्वित। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से दीपावली का तोहफा है इन सभी के लिए, सरकारी कर्मचारी के साथ साथ पेंशनधारी भी इसमें लाभान्वित होंगे। 50 लाख सरकारी कर्मचारियों की संख्या है और 62 लाख पेंशनधारी की संख्या है, इन सभी को 5% जो डीए में बढ़ोतरी हुई है उनका लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों उद्बोधन की, जो प्रकाश जावड़ेकर हमारे केंद्रीय मंत्री ने उद्बोधन दिया है डीए के बारे में, वो उद्बोधन भी आपको दिखा देते हैं। सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत एक खुशी की खबर है कि इस बार महंगाई भत्ते का जो महंगाई भत्ते से जुड़ा जो डीएलएस अलाउंस है डीए में 5% हुई है। पिछले अनेक सालों में 2 या 3% ही ग्रोथ होती थी, इस बार लगभग 16,000 करोड़ रुपए इसके एवज में दिए जाएंगे और इसका फायदा लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख जिनको पेंशन मिलता है उनको मिलेगा। तो वेतन मिलने वाले कर्मचारी और पेंशनधारी इन सबको महंगाई का ज्यादा भत्ता, महंगाई भत्ता अब मिलेगा और 5% की उसमें बढ़ोतरी हुई है और 16,000 करोड़ रुपए इसके लिए लगेगा। मुझे लगता है दिवाली का एक अच्छा तोहफा है और वो एक महत्वपूर्ण फैसला था। तो दोस्तों देखा आपने प्रकाश जी जावड़ेकर द्वारा जो उद्घोषणा की गई है डीए में 5% के बारे में, यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 17% हो गया है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, लेकर आएंगे आपके लिए एक और वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।